हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश टिलेज के बारे में, जो फिलहाल 65 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भारी उछाल देखने को मिला है, मतलब 100% इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके बारे में आखिर बात करना बनता भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश टिलेज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश टिलेज की बात की जाए तो ये 65 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है NSE में, और BSE में 66 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते का डेटा निकाले तो एक हफ्ते का डेटा जो निकल के आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि 22% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली इसने अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाई है, कॉन्स्टेंटली अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब एक हफ्ते पहले ये 0.58 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में 94% का ग्रोथ है। 94%, मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब 34 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, एक महीने में इसने पैसा डबल कर दिया। ठीक है, पैसा इसने एक महीने में डबल किया हुआ है। और अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल का में 100% रिटर्न है, 100% रिटर्न देखने को मिल रहा है। 24 पैसे के ऊपर ये इसने लो बनाया है और 66 पैसे का इसने हाई बनाया है जो अभी चल रहा है। 3 साल की बात करें तो यहाँ से परिस्थिति उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये 93% की गिरावट में चल रहा है। ठीक है, ये शेयर कभी इसने 24 पैसे का लो बनाया है, और कभी ये 15.5 रुपये के आसपास भी ट्रेड हुआ करता था। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल का डेटा जो निकल के आ रहा है, क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन 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 देखने वाली बात यह है कि जब पहले, बहुत पहले, बहुत पहले ये शेयर 180-190 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर चुका है। ठीक है, 180 रुपए इसने दी हाई बनाया है, 187 लो बनाया है, 24 पैसा। और इसका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 12 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, 12 करोड़ का मार्केट कैप है। और NSE में अगर वॉल्यूम देखे तो 1,65,000 का इसका वॉल्यूम है। और जो सबसे बड़ी चिंता की बात है इसके लिए कि इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हिचकिचाहट भरा क्यों है, वो ये है कि इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है, ठीक, क्वार्टरली रिजल्ट इसका क्वार्टर दर क्वार्टर गिर रहा है। अगर जून 2017 की बात की जाए तो जो नेट सेल 12 करोड़ का था वो मार्च 2018 में 8 करोड़ के आसपास रहा, और जून 2018 मतलब 7 करोड़ के आसपास रहा, मतलब 15% ऑलमोस्ट कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 600% का अपर है, लेकिन फिर भी वो माइनस में है, माइनस में मतलब लॉस में चल रहा है। जो 3,27,00,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था माइनस में, वो तकरीबन 0.02 करोड़ का रहा, लेकिन जून 2018 में ये 0.14 करोड़ के आसपास रहा। अब नेट प्रॉफिट में भी भारी गिरावट है, 100% से भी ज़्यादा गिरावट नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 48.18% की हिस्सेदारी है, और FIIs के पास 2.18% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ डाला ही नहीं है इसमें। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 46.55% की होल्डिंग है। और एक और जो ड्रॉबैक है, वो नेट सेल तो इसके बुरे है ही है, और एक और जो ड्रॉबैक इसमें यह है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है। ठीक है, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 48.18%, उसमें से 22.6% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने गिरवी रखी है, अपने शेयर गिरवी रखे हैं। म्यूचुअल फंड में कोई हिस्सेदारी नहीं है, FIIs में सिर्फ एक ही FIIs ने रिस्क लिया है, फिर एक ही FIIs ने इतनी तक इसमें अपना पैसा फंसा के रखा हुआ है, और डिविडेंड पे नहीं कर रही है। लास्ट 5% डिविडेंड बहुत पहले पे करती थी, लास्ट डिविडेंड उसने 2015 में पे किया है, तो कंपनी डिविडेंड पे बिल्कुल भी नहीं कर रही है हाल फिलहाल में। और अगर हम मनी कंट्रोल पे जाके अगर इसका निकाले तो कोई भी रिकमेंडेशन इसके लिए कुछ है ही नहीं, और बाय के लिए, सेल के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। और बुक वैल्यू देखिए तो 6.31% 6.31 का है,
और प्राइस टू बुक देखिए तो सिर्फ 10 पैसा, मतलब वो बहुत ही सस्ता है। डिलीवरीज 100% की डिलीवरीज है इसकी। लेकिन फिर भी एक और जो चीज़ है कि कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर, जो नेटसेल यहाँ पे जो मैंने दिखाया था, तो आप सितंबर का भी देखो तो उसमें क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट है। और कर्जा भी कंपनी पे बहुत है दोस्त, 242 करोड़, मतलब 243 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो वो एक बहुत ही बुरी साइन है। तो मैं उसको तो कंसिडर ज़रूर करूंगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है। और तो और कंपनी के रिजल्ट जो आए हैं वो क्वार्टर दर क्वार्टर गिर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो कंपनी का जो प्राइस है वो अब तक का सबसे हाई प्राइस है उसका, अब तक का सबसे हाई प्राइस है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट क्वार्टर दर क्वार्टर गिरे हैं, कंपनी पे कर्जा भी बहुत है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में भले ये इतना ऊपर चला गया, लेकिन कुछ दिनों में डेफिनेटली इसकी प्राइस गिरने वाली है। तो मेरे हिसाब से मैं इस शेयर में अपना पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। उससे बेहतर है कि मैं किसी और कंपनी के अच्छे शेयर्स खरीद लूँ। तो इसी के साथ वीडियो मैं एंड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।